नमस्कार, आप देख रहे हैं दानव जीवन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में। आज 2 जनवरी है, नया साल की शुरुआत हुई है और नए साल की शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यूपी की राजधानी में आज वो महारैली कर रहे हैं और क्या प्रभाव डालने वाली है यूपी चुनाव पर, क्योंकि बेहद जल्दी यूपी चुनाव घोषणा होने वाली है कि किस तारीख को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब चुनाव बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। अब लड़ाधड़ हर राजनीतिक पार्टी की रैलियां होंगी, नए नए वादे होंगे, पुराने वादों पर कितनी खरी उतरी पार्टी इनका पता नहीं है, सिर्फ जनता बताएगी कि क्या हो रहा है। तो लोग, तमाम लोग मौजूद है मेरे साथ, नेता है पार्टी होके, जनता भी है, आज आए हैं, कैसे उत्सव बढ़ाने आए हैं, क्या प्लानिंग है, क्या करने जा रहे हैं यूपी में, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, जानेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास पटेल है। विकास पटेल जी, चलिए, नाम भी विकास बड़ा ढूंढ रहे हैं आजकल लोग, और विकास आप तो मिल ही गए, तो विकास कितना हुआ है यूपी का? बिल्कुल, इस प्रदेश का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। विकास जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी तब विकास सभी प्रदेशवासियों को दिखेगा। जिस तरीके से दिल्ली में चाहे शिक्षा का सवाल हो, बिजली पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, इसका सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से दिल्ली मॉडल अगर सरकार बनती है तो यहाँ लागू होगा। और जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी तो निश्चित तौर पर विकास ही विकास दिखेगा। भाजपा तो कहती है बेवकूफ़ बना रहे हैं, फ्री फ्री दे दे के जनता को ठग रहे हैं, दिल्ली की जनता को, वही तो भाजपा आरोप लगाती है। नहीं, देखिए, जो आम आदमी पार्टी का जो सिद्धांत है, जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरा कर रही है। जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उस परिवार का कोई भी सदस्य भूखा न सोए, उसको शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए, परिवार के मुखिया की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से जैसे इस प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, तो क्या गरीब लोगों का अधिकार नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़ाई करे? आप देखिए ना, अधिकार है, गरीब का बच्चा फुटपाथ पे सोता है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, भीख मांगते हैं, तो क्या गरीब के बच्चे, मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक गरीब के भी मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनका पूरी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करे, भूखा ना सोए। तो अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का यही सिद्धांत है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, और उत्तर प्रदेश का कोई भी गरीब का बच्चा ना तो भूखा सोएगा और ना तो शिक्षा से वंचित रहेगा, ये आम आदमी पार्टी का सिद्धांत है। सर, आपका नाम क्या है? संजीव मिश्रा, प्रयागराज से हम लोग आ रहे हैं। प्रयागराज से आए हैं, तो जगह भी योगी जी के गढ़ से आए हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, पोस्टर तो दिल्ली तक लगा रखे हैं मोदी जी के, योगी जी के, कि देश का नंबर वन राज्य बना दिया है यूपी को, यूपी से अच्छा राज्य कुछ है ही नहीं देश में। केजरीवाल जी सिर्फ पोस्टर लगा रहे हैं और हमारे अरविंद योगी जी उत्तर प्रदेश में पोस्टर के माध्यम से अपनी चीज़ों को कहना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लोगों के दिल में बसे हुए हैं, और जिस तरीके से वो अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं और चंडीगढ़ में भी हम लोग की शानदार जीत हुई है, वैसा ही नज़ारा आपको 2022 में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक भी जीतेंगे और केजरीवाल जी के लोगों को एहसास होगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह ज्वाला। अच्छा, युवा हो, कैसी ज्वाला भटक फूट रही है आपके, चुनाव बहुत तेज हो चुके हैं। जी, ज्वाला बराबर भटक रही है और आगे भी बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी लगातार युवाओं को एक नया संदेश दे रहे हैं, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियों को, तमाम युवा साथी यहाँ पे हैं, सबको देख चुके हैं, एक नया विकल्प उत्तर प्रदेश में आज आया है। आज अरविंद केजरीवाल जी को हम लोग सुनेंगे, सुन के गांव-गांव उनकी आवाज को आज पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग। योगी जी से क्या नाराज है? योगी जी तो यूपी के हैं, कहते भैया बहुत ही देख रहे हैं, सारी वैकेंसियां सब हाई कोर्ट में चली जा रही हैं, कोई भी पेपर हो रहा है लीक हो जा रहा है, ये तो लीक वाली सरकारें चल रही है ना। हम तो गुंडे हमसे डर डर के भाग रहे हैं, तख्ती लगा के आ जाते हैं थाने में, भैया बंद कर लो। इस सरकार में गुंडे सब चले गए भैया, गुंडाई खत्म नहीं हुई? आप बताइए, कहीं गुंडाई खत्म हुई है? मोदी जी, योगी जी तो कह रहे हैं गुंडाई हमने समाप्त कर। साहब ने सेंगर जी कहाँ है? सेंगर जी कहाँ पे हैं? अच्छा। मैं प्रयागराज से हूँ, विधि प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा। अधिवक्ता हूँ, तो अब हम लोग अच्छा तो नहीं मालूम ना किसी को कि क्या गुंडाई हो रही क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आपका तो आपको काम, एक मर्डर कर दीजिए, मर्डर ना करिए, अभी एक शीशा तोड़ दीजिए गाड़ी का, जमानत करा लीजिए, आप हो जाएगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी, या खुलेआम आदमी को हत्या करा दी जाती है, आप देखिए बेल पे घूम रहे हैं, पुलिस किसी गिरफ्तार कर रही, किसी माफिया को, कुछ गिने चुने नाम हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई है। अच्छा। गिने चुने, आप उनका राजनीतिक कार्रवाई हो रही है उन पे, राजनीतिक है। अच्छा। अभी उनका दामन पकड़ लीजिए आप, तो हर हर गंगे। अच्छा। सब शुद्ध हो जाएगा आदमी।
गंगा तो जल छिड़क गया ना, वो शुद्ध हो गया। वॉशिंग मशीन लगी हुई है? वॉशिंग मशीन है। अच्छा। आपका पैसा है, अंदर आ जाइए। अच्छा, आप बताइए, चलिए योगी जी से तो नाराजगी है, अखिलेश नाराजगी तो हम लोग की किसी से कुछ नहीं है, आप काम करो। अच्छा। क्या जरूरत थी, केजरीवाल साहब कोई राजनीतिक आदमी थे? अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, हिंदुस्तान में जितने चीफ मिनिस्टर हैं उसमें सबसे अधिक क्वालिफाइड कौन है, पढ़ा लिखा कौन है? एक IAS केजरीवाल जी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? आपको क्या जरूरत है, हमको क्या जरूरत है? मैं अधिवक्ता हूँ, हम लोग साथ अधिवक्ता के लोग हैं। अच्छा। ठीक है ना, आज तक किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अधिवक्ता है? किसी सरकार ने इतने यहाँ पे कोरोना काल में अधिवक्ताओं में कितने लोग, हर लोग कोरोना काल सबने देखा है, किसी ने कुछ किया? दिल्ली में आप पता करिए, जब जिनकी भी मृत्यु हुई है कोरोना काल में, अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपया दिया गया है। ठीक है ना, और कोई सरकार नहीं देती ना अधिवक्ताओं को सुनने के लिए। है। मैं आपसे भी जानूंगा, आप भी अधिवक्ता हैं जी? अच्छा, तो क्या नाम है आपका? निखिल श्रीवास्तव। निखिल जी, मेरा सवाल यह है भाई, चलिए 5 साल सरकार के गए, ठीक है, कैसे गए 5 साल सरकार के? केवल वादे करने में और उन वादों को ना निभाने के उपलक्ष में गए। अच्छा, और कुछ नहीं करा? जगह जगह पूरे लखनऊ में हम देख रहे हैं मेट्रो पिलर पे केवल मोदी जी और योगी जी की पोस्टर नजर आ रहे हैं। पांच में भी दिख रहे हैं ना, थैली में भी दिख रहे हैं, राशन में भी दिख रहा है वो, जो राशन बट रहा है। मेरा ये कहना है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या, तो उसी तरीके से जब आप कोई काम कर रहे हैं इस देश में, इस प्रदेश में, तो वो अपने आप दिखना चाहिए। पोस्टर और बैनर और केवल छवि बनाकर बड़े बड़े जगहों पर, स्थलों पर ये शो करना कि जनता हमको पढ़े और हमको पढ़ के समझ ले मैंने ये काम किया है, ऐसा ही उन्होंने केवल किया है। जमीनी स्तर पर, बुनियादी स्तर पर कोई पोस्टर छपे? हाँ, केवल पोस्टर छपे हैं और कोई कार्य नहीं हुआ। क्या लग रहा है, सही कह रहा है? कहीं कुछ नहीं करा योगी जी ने, कुछ नहीं करा? योगी जी की बात ना करिए, अगर योगी जी की बात करेंगे और मोदी जी की बात करेंगे तो उनको सब ढोने के लिए सब तैयार हैं, ये लोग तैयार है। ये आम आदमी पार्टी है, हम समाजवादी पार्टी हैं, हम इस चीज को हम मान लीजिए। सुनिए, अभी क्या हुआ, इन्होंने बदनाम करने के लिए क्या किया, इन्होंने बदनाम करने के लिए पैसा किसके यहाँ निकला था? पहले तो बीजेपी वालों के मारे थे, कहीं और निकला, कहीं और नाम एक था, एक 100 मीटर पे दूरी पे दोनों लोग का नाम था, 100 मीटर दूरी पे पीयूष नाम का दोनों लोग थे। छापा कहाँ पड़ा, ठीक, छापा पड़ा किसके यहाँ, मारना था कहीं और, मारे कहीं और, निकला कहीं और, निकला कहीं और, कहाँ से निकला? फेल हो गया। क्यों फेल हो गया इनका? ये बदनाम कर रहा था अखिलेश यादव को। अच्छा। बदनाम कर रहा था अखिलेश यादव को। सरकार चाहिए केजरीवाल जैसे, सरकार चाहिए अखिलेश यादव जैसे। अच्छा। हाँ बिल्कुल सेम टू, मिलके तो बना ही नहीं रहे। बनाए या ना बनाए वो तो आगे की सोच है, उसको छोड़िए। अखिलेश यादव जैसे योगी जैसी नहीं चाहिए, योगी जैसे नहीं चाहिए, योगी नहीं है क्या, योगी की बात कर रहे हैं वो जी, ऐसी बात कर रहे हैं। ये संस्थान और कहीं भी प्रस्थान, कहीं भी जैसे किसी भी पूजा पाठ में कहीं भी चले जाएं, ये खाली ढोंग वाला काम करेंगे, अन्यथा कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम है, रहने वाले गोरखपुर का है। श्री राम है गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले भाई साहब, इन्हीं के यहाँ के रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले, नाम भी श्री राम है, जिस नाम से भाजपा सत्ता में आ गई है, नाम से आई है, नाम से आई है, इनका कोई कर्म नहीं है उसमें। मान लीजिए जो अगर जैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, राम मंदिर पे लूट रहे हो यार, क्यों लूट रहे हो उसमें नाम पे? अपना कुछ करके दिखाओ, उस पे लूटो ना आप, कुछ अपना करके दिखाओ, क्या किए हो? पता चला आप यहाँ पे, यहाँ चुनाव हो रही है, पता चला मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, ढकाने आ रहे हैं, क्या करने यहाँ पे आ रहे हैं बताइए ना? और किसी प्रचार में नहीं आते हैं, आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, डबल इंजन मोदी जी योगी जी इंजन करके। अब क्या मेट्रो यहाँ पे कौन दिया? अखिलेश यादव ने दिया। बिल्कुल, कौन दिया यहाँ पे? अखिलेश यादव ने दिया। आप बता रहे हो कि उन्नाव से हम वहाँ पे मेट्रो बनाएंगे? अरे वो कह रहे हैं उन्नाव से लेकर कानपुर तक नदी पार बनाएंगे और समय से पहले बनाएंगे। ये क्या बनाए हो वहाँ पे, बता रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करके नाम दे रहे हो,
ये बताइए भाजपा ये कहती है, मोदी योगी जी कहते हैं भाई हमने हिंदुओं को बचा लिया वरना हिंदू धर्म खत्म हो जाता भारत। हिंदू धर्म खत्म हो जाता, धर्म पे नाम पे लोग को लूटो करके करो, क्या धर्म खत्म हो जाता है यार। अभी भी कह रहे हैं अगर हम नहीं आए, समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी है, तालिबान बना दे। नमाजवादी पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, चारों को बना के रखो यार। हम लोग पहले के पार्ट पहले के स्कूल पढ़े हुए हैं, हम पहले के पढ़ाई किए हैं, सबको अपने साथ में पढ़ा के लेके चलते थे, सबको साथ में लेके चल रहे थे हम लोग। आप लोग को तो ढूंढ ही रहे थे कि हमसे भी कोई मिले, हम भी बहुत देर से बेचैन थे, आज मिल गए आप। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं करेगी बिल्कुल। 2004 में मुझे कह रहे हैं लेकिन सरकार तो ईमानदार, सरकार ने बंद किया था। देखिए ईमानदार है ठीक है, ईमानदार कहने से नहीं होता, ईमानदारी दिखाइए भी ना। एक सांसद विधायक चार चार पांच पांच पेंशन ले रहा है, हमारे मोदी जी हैं चार पेंशन पांच पेंशन लेते हैं। ऐसे ऐसे आपको सांसद विधायक मिल जाएंगे जो चार चार लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, और कर्मचारी 40 साल मेहनत करे वो सेवा दे रहा है उसको पेंशन नहीं है, बुढ़ापे में वो दर दर भटक रहा है, भूखे मर रहा है, कूड़ा बिन रहा है। आप देखिए पता लगा नई पेंशन योजना है तो उसको 400-500 रुपए पेंशन मिल रही है। आप सब स्वार्थ मत देखो, देश का विकास देखो, देश आगे बढ़ रहा है। हम कहते हैं फिर अपना विकास क्यों, अपने लिए वैसा करे ना, विकास क्या, हम कहते हैं विकास क्या, आप केजरीवाल जी का जी तो कहते हैं अपनी सैलरी दान कर देते हैं, दिन में 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं, सोते नहीं है वो। देख कहने करने में अंतर होता है, जो चीजें कहते हैं वो दिखना चाहिए। आप देश को बेच रहे हैं, आप देख रही है BSNL क्या स्थिति हो गई आज, सरकारी जो कंपनियां हैं सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको आप नकारा साबित कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करना चाहती है साबित करना, और उसको इसी बहाने बेचने का प्रयास हो रहा है। और देख लीजिए एयर इंडिया बिक गया, BSNL बिक गया ना, सारी चीजें सारी कंपनियां बिक गई हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही दिल्ली मॉडल, बिल्कुल जो बदलाव होना चाहिए दिल्ली के हिसाब से होना चाहिए, जो यहाँ की जनता चाह रही है दिल्ली मॉडल। और सबसे बड़ी चीज क्या है, शिक्षा को लेके, महंगाई को लेके, एजुकेशन सेक्टर, अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं, वहाँ जाइए वार्ड बॉय कहता 200 रुपये दीजिए हम बेड दिलाए दे रहे हैं, बच्चों की फीस में जो है इतनी लापरवाही दांधली, ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, घर पे फीस लिए ले रहे हैं, बच्चा कहीं से भी किसी एंगल से कोई लिस्ट में है ही नहीं। कोरोना में लाखों लोग मर गए और सरकार कहती है एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं, ऑक्सीजन कमी से नहीं मरा, ये तो सभी सरकार कह रही है। तो क्या मतलब योगी जी पोस्टर लगा रखे हैं और अभी बोल रहे हैं कि भैया हम विकास इतना कर दिया, एक्सप्रेसवे बना दिए, काम जो कहा था वादे से पहले पूरा काम करके दे दिए। तो ये योगी जी ने जो काम करके दे दिया, फ्री जनधन का जो है खुलासा उनका करा लीजिए, उन्होंने जो बोला है वो किया नहीं है। अच्छा ठीक है, जो बोला है वो किया नहीं है। 500 रुपये 3 महीने दे दिए कि आप कोरोना में घर में सब्जी एक टाइम की भी नहीं रख सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उन्होंने मार्च तक बना दिया है कि आप राशन लीजिए क्योंकि मार्च में गवर्नमेंट बननी रहती है। क्या पाठ पढ़े आपके समय, अपने समय कितना उम्र है आपकी ये बताइए। मेरी उम्र है 30+ है। 30+ है, क्या है 30+, अभी वो भी किताब नहीं पढ़े, पहले पढ़ाई क्या पढ़े लोग अपने पिताजी से पूछिएगा, पहले पढ़ाई आप क्या पढ़े, यही पढ़े हैं कि चारों भाई एक हिंदू मुस्लिम सिख पढ़े, आज भी यही पढ़ा, भाई भाई ये सब बांट रहे हैं, बांट रहे हैं अपना हिंदू लेके क्या चलोगे यार। तो कैसे बांटेंगे, आप जैसे लोग हैं तो सही, आप बटने दोगे, ये बटने दे रहे हैं, ये तो है ही, ये हमारा भाई है, ये देखो इधर आओ सामने, क्यों डरते हो यार, क्या डरते हो यार, आए हो समर्थन में डर रहे हो करके, ये हमारा भाई है, ये बताओ ये हमारे चाचा है, हमारे है कि नहीं है, है? एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं ये, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई? अरे वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो दुनिया लड़ रही है, यही कहते हैं, लोगों से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, सब बताइए क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार की लड़ाई, भ्रष्टाचार इनके में उससे ज्यादा कोई हुआ क्या, नहीं हुआ अभी तक, ये नोटबंदी लेके चले आप कहिए, हाँ नोटबंदी लेके चले, कोई फायदा हुआ उनको, कोई फायदा नहीं हुआ, हुआ तो ये पैसा कहाँ से आ गया, ये 117 करोड़ कहाँ से आया, ये बदनाम करने चल दिया अखिलेश यादव को, बदनाम करने के लिए चल दिया, बिल्कुल आप विदाई कर रहे हैं योगी जी की इस बार, ये विदाई, अगर ये बेईमानी करे ना, बेईमानी करेंगे तो भलाई से कुछ भी हो जाए, अगर ये कहीं से ये लोग अपना पूरा सपोर्ट करके जितने करते हैं अगर ये ना पाए तो ये कहीं भी कुछ नहीं है, पहले भी नहीं थे, अरे जिसने 70 साल में नहीं लूटा है, धिक्कार है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर धिक्कार है ये, वो 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, 7 साल में साले पूरी दुनिया लूट लिए, और क्या पूरी दुनिया लूट लिए,
हम आम आदमी पार्टी में आए हैं यहाँ पे करके, हम खुद आए हैं कि कोई ना मीडिया मिलेगा उनको देते हैं। शुक्रिया।